सभी एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, श्वास भरें। एक साथ प्रतिज्ञा करेंगे, मेरे बाद दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मिला लें, रब करें हाथों को, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को सादर प्रणाम। हम हट रत्नावली पढ़ रहे हैं। हट रत्नावली के दूसरे चैप्टर में हम आ गए हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने महायोग को पढ़ा, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग को पढ़ा, उनके लाभों को जाना, आठ शोधन क्रियाओं को पढ़ा, उनके लाभों को जानना, उन शोधन क्रियाओं से जो छह चक्रों की शुद्धि होती है उनको पढ़ा, साधक तत्व बाधक तत्व पढ़ चुके हैं हम, मिताहार क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। कल प्राणायाम का, जिसको यहाँ पे कुंभक कहा गया है, उसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आपको। नौ प्रकार के कुंभकों का वर्णन है यहाँ पे, तो आज हम उनको विस्तारित तरीके से जानेंगे। हिमांशी जी, मेरी स्क्रीन आप बता दीजिए, आप देख पा रहे हैं क्या? स्क्रीन देख पा रही है मेरी आप? ओके जी, थैंक यू। आज कन्हैया जी ना दो दो मीटिंग में, इसलिए वो ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे भावना जी, हिमांशी जी थोड़ा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे हमने जाना था कि सूर्य भेदी है, उज्जयी है, सीक्वेंस यही रहेगी इसकी, शीतकारी है, शीतली है, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली और नौमा यहाँ पे आएगा भुजंगीकरणी। ठीक है, आज हम इनको जानते हैं। सूर्य भेदन भी आपके सामने है श्लोक। और इस ग्रंथ का मैंने बताया कि थोड़ा सा ये है अटपटा सा, तो श्लोक में कुछ मिलेगा, नीचे कुछ मिलेगा, तो थोड़ा सा आप देखेंगे अपने हिसाब से। और कई कई चीजें तो श्लोक में भी गलती है, तो मैं साथ साथ में कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा ज्यादा आपका डाउट क्लियर कर पाऊं। तो अति सूर्य भेदन नाम कुंभ, यानी कि सूर्य भेदन कुंभ को बताया गया है, सेम वही है जो हमने हठ योग प्रदीपिका में पढ़ा था कि दक्षिणाड्या समाकृष्ट है बहिस्तम पवनम स्नेही, अर्थात दक्ष यानी कि राइट नोस्टिल से आकृष्ट से खींचना है, वही बाहर की वायु को अंदर खींचना और स्नेही धीरे धीरे खींचना है। यथा लगती कंठा तो, कि वो जो ध्वनि है, यानी कि यहाँ पे ये चीज ऐड कर दिया गया इसमें, ये वाली लाइन
हठ योग प्रदीपिका में नहीं है, उज्जयी प्राणायाम में तो मिलती है सेम लाइन। या तो ये लगता है कि मुझे गलती से आ गई है लाइन यहाँ पे, लेकिन अभी श्लोक में है तो हमें पढ़नी पड़ेगी कि सूर्य वेदन प्राणायाम में वो वायु जो है बाहर से लिया है वो कंठ कंठ से लगती हुई, यथा लगती कंठातु हृदयावधि हृदय तक सस्वनम, यानी कि आवाज करती हुई लेनी है। यथेष्टम कुंभयेत वायु, यानी कि ये वाली ध्यान रखना, यथा शक्ति उसको रोकना है, कुंभयेत जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर उसको धारण करना कि इसको वायु वायु को, फिर उसके बाद क्षमता खत्म होने के बाद रेचियत इडियात उसको लेफ्ट नोस्टिल से एक्सहेल कर देना है। कपाल शोधनम, कपाल का शोधन होता है, रेचियत पवनम स्नेही उसको धीरे धीरे रेचक कर देना है। आलस्यम, ये चीज ऐड हो गई है यहाँ पे, हट्टे प्रदीपिका में आलस्यम नहीं है, इन्होंने आलस्यम अपने तरफ से ऐड कर दिया, तो ये डिफरेंस याद रखेंगे आप। और वात दोष गणम हड्योग में मिलता है, कृमि कीटम, बात एक ही है, कृमि दोष यानी कि कीड़े। चार लाभ हो गए हैं, पहला लाभ कपाल का शोधन होता है, दूसरा आलस्य का दूर होता है, तीसरा वात दोष दूर होता है, चौथा कृमि दोष यानी कि कीड़े निहंती दूर हो जाते हैं। पुनः पुनरिदम कार्यम, इसको बार बार करना चाहिए। सूर्य भेदी कुंभक कहते हैं, सेम वो ही है जो हट्टयोग प्रदीपिका में है, चेंज सिर्फ एक तो इस लाइन में किया है कि वो कंठ से स्पर्श करना है, कंठ से हृदय तक, ये वाली लाइन चेंज किया है, और एक ये लाभ आलस्य, दो चीज चेंज है, बाकी पूरा का पूरा हट्टयोग वाला सेम किया गया है। उज्जयी कुंभक जानते हैं, मुखम संयम में नाड़ी भ्याम आकृष्य पवनम स्नेही यथा लगती हृदय कंठम हृदयावधि सस्वनम। देखो वही लाइन फिर आ गई, जो लाइन ऊपर मैं कह रहा था कि सेम वही लाइन है ये, कि मुखम संयम में नाड़ी भ्याम, मुख को नियंत्रित करके नाड़ी भ्याम यथार्थ दोनों नासिका से आकृष्य खींचना है पवनम स्नेही, वायु को धीरे धीरे खींचना, यथा लगती हृदय कंठम हृदय और कंठ तक वो लगती हुई हृदयावधि यथार्थ छाती तक सांस को भरना है, सस्वनम आवाज करते हुए सांस जाएगी अंदर गले से, इस प्रकार आवाज करते हुए जाएगी। और पूर्वत कुंभयेत, पहले की तरह कुंभक लगाना, अर्थात यथेष्ट धारणम वायु की यथाशक्ति रोकना है, प्राणम रेचियत इडियात, फिर लेफ्ट नोस्टिल से एक्सहेल कर देना है। और इसका लाभ क्या है, ग्ले श्लेष्म हरम, गले का जो श्लेष्मा है उसका हरण होता है, प्रोक्तम ऐसा कहा गया है, देहानल विवर्धनम जठराग्नि प्रदीप्त होती है। नाड़ी जाल जो है, नाड़ी का जो रोग है, नाड़ियों के रोग, उदर पेट के रोग, धातुगत धातुओं के जो दोष हैं, दोष विनाशनम वो नाश हो जाते हैं, गच्छता तिष्ठता कार्यम यानी कि चलते हुए और बैठते हुए भी इसको किया जा सकता है। उज्जाखयम ही कुंभकम, इसको उज्जयी कुंभक कहते हैं। शीतकार कुंभक को पढ़ते हैं, शीत काम को रियात तथा वक्तरे की शीत काम, अच्छा शीसी की ध्वनि के साथ कुर्यात करते हुए वक्तरे मुंह से घ्राणे नहीं विसर्जयेत, यहाँ पे विसर्जयेत है और हट्टयोग में विज्रम भी काम अर्थात मतलब एक ही है, विसर्जन करना, त्याग करना, लेकिन यहाँ पर हाँ ठीक है त्याग करना, क्योंकि घ्राणे नहीं विसर्जयेत, सांस को बाहर निकालना भी तो त्याग करना ही है, विसर्जन करना, कि मुंह से सीसी करते हुए लिया और घ्राणे नहीं विसर्जयेत, अर्थात कुंभक नहीं बताया गया। देखो ध्यान दीजिए, कुंभक कहीं नहीं है, लेना है और छोड़ना है। एवं भ्यास योगे ने, इस प्रकार अभ्यास करते हुए जो करेगा, कामदेव द्वितीय का कामदेव, दूसरा कामदेव बन जाएगा, अर्थात कामदेव सुंदरता का प्रतीक है, वो अत्यंत सुंदर है। योगिनी चक्र संसेवय है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वहां पे योगिनी चक्र सम्मान्य है, यहाँ पे योगिनी चक्र संसेवय है, अर्थात यहाँ पे जो इन्होंने लिया है कि योगी जनों के संसार में उसका आदर होता है, अर्थात सम्मानीय होता है, और दूसरे परिप्रेक्ष्य में दूसरा अर्थ भी निकलता है कि जी योगनियों का जो समूह है, अर्थात
जो स्त्री जो साधिका है, जो योग का जो साधना करती है, उनमें वो सामान्य रहता है। सृष्टि संहार कार्य का, सृष्टि का संहार यानी कि सृष्टि बनाने में और उसका विनाश करने की शक्ति उसमें आ जाती है। न छुदा न तृषा निद्रा, छुदा यानी कि उसको भूख नहीं लगती, न तृषा उसको प्यास नहीं लगती, निद्रा उसको निद्रा का जो विकार है वो नहीं होता, नहीं वह लसन पर जायते, ना ही उसको कभी आलस्य होता है। भवेत सौजन देहस्तु, अर्थात वो क्या है कि स्वच्छ हो जाएगा उसकी देह, सर्वोपद्रव वर्जित है, जो जितने भी उपद्रव हैं, जितने भी विकार हैं, उन सब से मुक्त हो जाएगा वो। अनेन विधिना सत्यम योग इंद्रो भाति भूतले, अर्थात ये बिल्कुल सत्य है कि वो जो जो शीत कार्य जो कुंभक का अभ्यास करेगा, वो भूतल यानी कि भूमि मंडल में, इस मृत्यु लोक में योग इंद्रो श्रेष्ठ हो जाएगा। योगियों का इंद्र अर्थात समस्त योगियों में श्रेष्ठ। बिल्कुल सारे दिजम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे श्लोक मुझे गड़बड़ लग रही है, वी नहीं आएगा, जय आएगा, जिव्या होता है, विया नहीं होता। ठीक है, जिव्या वायु आकृष्य है कि जीव से वायु को आकृष्य खींचना है। पूर्वत कुंभ का धनम कि पहले की तरह कुंभक, और पहले क्या किया था, यथेष्ट धारण वायु की यथाशक्ति श्वास को अंदर रोका था। और आगे बताया कि शनै अशीति पर्यंतम, धीरे धीरे अशीति, ये वाली लाइन चेंज किया है यहाँ पे, या तो गलती से प्रिंट हुआ है क्योंकि देखो 80 बार करना है, या तो वो जैसे वहां पे देखा था ना मैं कि प्रातः मध्य साय अर्धरात्रि, वहां पे आता 80 बार, लेकिन इन्होंने 80 बार पहले ही दे दिया, शीतली में स्पेशली दिया है। लेकिन परीक्षा में अगर दिया है तो क्वेश्चन भी बन सकता है, बाकियों में कहीं नहीं दिया, देखो सिर्फ शीतली में दिया है अभी यहाँ पे, कि शीतली को कितनी बार करना, 80 बार करना, अशीति अशीति पर्यंतम 80 बार करना है। और उसके बाद रेचियत अनिलम सुधी, सुधी अर्थात जो विद्वान है, विद्वान जो बुद्धिमान जो साधक है, उसको वायु को निकाल देते हैं, अर्थात जीभ से लेना है और रोकना है और फिर उसका रेचक कर देना है। रेचक के लिए कोई ये नहीं बताया कि लेफ्ट से छोड़नी है राइट से, सिर्फ रेचक अर्थात दोनों नासिका से साथ छोड़ना है। अब इसका लाभ लाभ क्या है, गुल्म पली हो उदरम दोषम, अर्थात गुल्म रोग अर्थात वायु गोला, प्ली हो स्प्लिन उदरम पेट के रोग, दोषम दोष ना दूर हो जाते हैं, वायु गोला प्लीहा अर्थात स्प्लिन के रोग, उदरम पेट के दोष दूर हो जाते हैं। और इसके अलावा जवरम पित्तम सुधाम त्रिशाम की, जवर बुखार दूर हो जाता है, पित्त रोग दूर हो जाता है, क्षुधा भूख दूर हो जाती है, त्रिशा प्यास नहीं लगती, उसकी प्यास भी दूर हो जाती है। विषाणी शीतली नाम है कुंभ को अयम निहंती चै, अर्थात जो शीतली नाम का जो कुंभक है, विषाणी विष को निहंती चै, अर्थात उसका नाश कर देता है, विष को समाप्त कर देता है। स्त्री का कुंभक पढ़ते हैं, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, प्रणवात्मा का लिखा हुआ इन्होंने यहाँ पे। अथ भस्त्रिका रेचक है पूरकश्चैव कुंभक, रेचक पूरक कुंभक के साथ में उसको करना है रेचको, ये कुछ गड़बड़ है, रेचको जश्न निवास है, पूरकस्त निरोधक है। आप सिंपल पढ़ो, ये गलत लग रहा है मेरे को श्लोक की। सिंपल जो हठयोग में बताया गया है ना कि श्वास को ऐसे लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है, और उस यथा लोह कारण, जैसे लोहकार होता है, लोहकार की ध्वनि के साथ में उसको लेना, भस्त्री वेगेन चालते, उसको चलाना है अंदर की तरफ, तथैव सब शरीरस्तम चाल ये पवनम सुधी, उसको शरीर में चलाना है जैसे लोहार धोकनी को चलाता है। यथा श्रमो भवेत देहे, अब जब करते करते जब श्रम थक जाए, हम शरीर जब थका थकावट की अनुभूति हो जाए, तथा सूर्य ने पूरी, तब राइट नोस्टिल से सूर्य नाड़ी से पूरक करना है, सांस लेना है। यथोद्रम भवेत पूर्णम, उसको पेट में भरना है, पवने ने तथा लघु, उस वायु को भर लेना अच्छे से, और धारयेन नासिका, उसको धारण कर लेना है, और नाम बिना
अर्थार्थ मध्यमा, ये बीच की जो उंगली है, मिडल फिंगर, और तर्जनी, इसके बिना अर्थार्थ ये वाली मुद्रा आपको दिखाई दे रही होगी मेरे हाथ में, इसको प्रणव मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा में रोकना है, यानी कि इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर नहीं लगाने, दृढ़ दृढ़ता से पकड़ लेना है नासिका को। कुंभकम पूर्वक कृत्वा रे चाहिए थे इडिया नीलम, पहले की तरह कुंभक करके अर्थार्थ यथेष्ट धारण नीलम लेफ्ट नोस्टिल से एक्सहेल कर देना है। सेम वही है, कोई ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है, योग वाला ही है सारा। अब इसके लाभ भी सारे के सारे वही है। वात पित्त श्लेष्म हरम अर्थार्थ, वात पित्त श्लेष्म तीनों दोषों का हरण होता है। शरीर अग्नि विवर्धनम, जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। ब्रह्म नाड़ी मुखे संस्थ, ब्रह्म नाड़ी अर्थार्थ सुषमना नाड़ी है, मुखे संस्थ है, उसके मुख पर कफादि अर्गल नाशनम, जो कफादि जो अर्गल है, जो विजातीय तत्व है, उनका नाश हो जाता है। विशेषण कर्तव्यम, इसीलिए इसको विशेष करना चाहिए, विशेष है ये कुंभक। वस्त्राख्यम कुंभकम तिदम, इस कुंभक को विशेष तरीके से करना चाहिए, यानी कि अवश्य है करना ही करना है, क्योंकि ब्रह्म नाड़ी के जो मुख पर, सुषमना के जो मुख पर जो कफ आदि जो अर्गल नाश है वो दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं अभी मुझे याद आई है पढ़ते पढ़ते, ब्रह्म नाड़ी को हम सुषमना नहीं कहेंगे, क्योंकि जब मैं नाड़ियों को पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा था कि सुषमना के अंदर एक तो होती है चित्रा नाड़ी, एक होती है ब्रह्म नाड़ी। जैसे कि आप ये समझो, ये जो सुषमना है, ठीक है, अब सुषमना के जो अंदर है, सुषमना के अंदर है ब्रह्म नाड़ी, शायद यहां पे कफ आदि जो अर्गल नाश है, न कि सुषमना पे। वो उसका नाश होता है, और मैं शुरू की ब्रह्म नाड़ी वही है, अलग है सुषमना, एक तरीके से हम कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्रह्म नाड़ी अलग है, उसका नाश होता है उसके मुख पे। मैं भ्रामरी पढ़ा रहा हूं, भ्रामरी क्या होता है, वेगेद घोषम पूर्वकम, यानी कि वेग पूर्वक तेजी से घोषम आवाज करते हुए, घोषणा करते हुए, पूर्वकम सांस लेना है, भृंगनादम भृंगी की तरह, अर्थार्थ जो मेल जो होता है ना, मेल भी अर्थार्थ नर मधुमक्खी भृंग, और भृंगी फीमेल, फीमेल यानी कि मादा मधुमक्खी, नादम रेचकम मंद मंद अर्थार्थ धीरे धीरे, जो पूरक तो करना वेग पूर्वक, और भवरे की तरह है, और रेचक करना है धीरे धीरे मंद मंदम, और भृंगी भवरे की तरह है। योगिंद्राणाम नित्यम भ्यास, यानी कि जो योगी इसका नित्य अभ्यास करता है, उसके साथ क्या हो जाता है, योगी चित्त, वो जो योगी है चित्त जाता काचिदानंद लीला, उसका जो चित्त है शांत हो जाता है, एक आनंद, एक तरीके से अंत है नाद उसका जागृत हो जाता है, उसको सुख मिलता है। मूर्छा पढ़ते हैं, अब मूर्छा क्या है, पूर्व कांते गाढ़ तरम, कि पूर्व कांते पूर्व के अंत में गाढ़ तरम अर्थात जबरदस्ती, जबरदस्ती की पूर्व किया, सांस भरा और जबरदस्ती बंद लगाया, बद्वा जालंधरम स्नेही, जालंधर बंद लगाया, स्नेही आगे, स्नेही ये आगे श्लोक में आएगा, स्नेही या जालंधर भी पहले लाइन खत्म हो चुकी, अब स्नेही रेचिए ने मूर्छना चा स्नेही रेचिए, तो धीरे धीरे रेचक करना है, मूर्छना खेय मनोमूर्छा सुख प्रदा अर्थात मूर्छना खेयम, इसको मूर्छा कुंभक कहते हैं, और इस लाभ भी साथ में दे दिया, मनोमूर्छा सुख प्रदा, कि मन को मूर्छित करने वाली और सुख प्रदा सुख देने वाली है। भावना जी समझ आ तो रहे ना सभी को,
हाँ जी क्लियर है। जी थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। रेचकम पूरकम मुक्तवा, ये क्या है आगे? कौन सा प्राणायाम है? हम पढ़ रहे हैं अभी मूर्छा। अच्छा देखो, इन्होंने पूरा सिस्टम उल्टा पुल्टा दे रखे हैं श्लोक। ठीक है, केवली कुंभक की बात की बातें हैं लगभग। हाँ केवल कुंभक है, ऊपर लिखना भूल गए शायद, यहाँ पे आएगा केवल इसलिए कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे केवल कुंभक आप लिख लेंगे। ठीक है कि रेचकम पूरकम मुक्तवा, रेचक पूरक से मुक्त होकर सुखम सुख पूर्वक यद वायु धारणम, अर्थात वायु को धारण करना है। प्राणायामो अयम इत्युक्तः, इसको प्राणायाम इत्युक्तः सैवै केवल कुंभकः, इसको केवल कुंभक कहते हैं। अर्थात जिस प्राणायाम में, यानी कि जिस प्राणायाम में रेचक पूरक नहीं होता, अर्थात इनहेल एक्सहेल बंद हो जाए, उसको केवल कुंभक कहते हैं। अर्थात सिर्फ होल्डिंग होगी इसमें। केवले कुंभके सिद्धे रेच पूरक वर्जित, अर्थात केवल कुंभक में जो सिद्ध हो जाने पर, जब इसमें सिद्धि मिल जाएगी, हमारी पूरी पकड़ बन जाएंगी, हम उच्च अभ्यासी हो जाएंगे, रेच पूरक वर्जिते कि रेचक पूरक नहीं होगा, बंद हो जाएगा, तभी तो केवल कुंभक होगा जब बंद हो जाएगा। तो न तस्य दुर्लभम किंचित, ऐसे जो योगी है जिसने केवल कुंभक को सिद्ध कर लिया है, उसके लिए दुर्लभम कुछ भी दुर्लभ नहीं है। त्रिषु लोकेषु विद्यते, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ उसके लिए नहीं है। अर्थात तो वो हर चीज करने में संभव, हर चीज वो कर सकता है, अर्थात तो भगवान के समान हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे बताया गया कि सक्त है केवल कुंभेन यथेष्टम वायु धारणम, एतादृशो राजयोगो कथितो नात्र संशय। अर्थात केवल कुंभक द्वारा कि जो वायु धारण करने की क्षमता, अर्थात यथेष्टम वायु धारणम की केवल कुंभक से शक्ति, वो शक्ति आ जाती है वायु को धारण करने की। एतादृशे, ऐसा देखा गया है, राजयोगो, राजयोग कथितो नात्र संशय, अर्थात जो केवल कुंभक को सिद्ध कर लेगा और वायु को धारण करने की क्षमता जिसके अंदर आ जाएगी, वो राजयोग को प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई किसी तरीके तरह का डाउट नहीं है। किसी का माइक खुला है, प्लीज बंद कर लीजिए। आगे, कंठेन पूरयेत वायुम रेचयेत कंडनालत है भुजंगीकरणी। अच्छा ये भुजंगीकरणी प्राणायाम कुंभक आ गया है, ये ऊपर लिखना भूल गया है शायद। कुंभको अयम नमः स्मृत है, अर्थात तो ये वाला ध्यान रखिए आप, नोमा कुंभक ये सिर्फ इसी में मिलता है और कहीं पर भी नहीं है। तो जो अलग चीज होती है, एग्जामिनर वहीं से हमेशा क्वेश्चन बनाता है, भुजंगीकरणी ये सिर्फ भट रत्नावली में मिलता है। यहाँ पे क्या आ गया है कि कंठेन पूरयेत वायु, कंठ से सांस लेना है, जैसे उज्जैन में किया था लगभग, और रेचियत कंड नालत है, और कंठ से ही रेचक करना है। डिफरेंस समझ आया कि कंठ से ही लेना है और कंठ से ही छोड़ना है, और उज्जैन में क्या बताया गया था, कंठ से लेना है और वो ध्वनि कंठ और हृदय पे स्पर्श होने चाहिए, फिर सांस को रोकना है, यथाशक्ति रोकने के बाद में लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें, वो है उज्जायी कुंभक। और भुजंगीकरण का, भुजंगीकरण में बताया कि कंठ से लेना है और कंठ से छोड़ देना है, ना तो यहाँ पे होल्डिंग बताई है और ना ये बताया कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ना है, राइट से, अर्थात दोनों से छोड़ना है। हाँ गले का रोल जरूर बताया कि गले से स्पर्श करते हुए लेना, गले से ही छोड़ना है, इसी को ही भुजंगीकरण कुंभक कहते हैं, और ये नोमा कुंभक है। नोमा, किसी का माइक बार बार खुल रहा है, कौन है ये? टाइम है हमारे पास? अरे वाह बहुत टाइम, आज तो बड़ी फास्ट चल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा तेज करा रहा हूं मैं। महामुद्रा,
ओके अब हम मुद्राओं पे आ गए जी, करा दे आज मुद्रा करा देते हैं, थोड़ी सी करा देते हैं दो तीन। तो कि यहाँ पर एक छोटा सा चेंज, आप ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो ये सीक्वेंस है, यहां तक है, कौन बताएगा हट योग पर दीपिका में, और इसमें क्या बदलाव किया गया है, एक चीज कुछ ऊपर नीचे किया है, सीक्वेंस बताएं क्या गड़बड़ है, दसों मुद्राएं सेम है लेकिन एक कुछ आगे पीछे दिया, कौन सी मुद्रा है? महावेद के बाद खेचड़ी सर, इसमें खेचड़ी लास्ट में दे रखी है। वेरी गुड, परफेक्ट, वहां पे बताया गया हट योग प्रदीपिका में, महामुद्रा महाबंधो महावेदस्य खेचरी उद्यान मूल बंधो जालंधरा विदय कर्ण विपरीताख्य वज्रोली शक्ति चालनम, और यहाँ पे खेचरी को बाद में रख दिया, और यहाँ पे खेचरी यहाँ पर नहीं बताया गया, ये चेंज है, इस चेंज को ध्यान रखेंगे आप। पहले नंबर पे महामुद्रा बिल्कुल ठीक है, दोनों में पहले नंबर पर है, दूसरे पे महाबंध है, तीसरे पे महावेद है, चौथे पे खेचरी नहीं है, खेचरी दसवें नंबर पे दिया है, ठीक है, उद्यान है, फिर मूल बंद है, फिर जालंधर बंद है, और फिर विपरीत करणी है, वज्रोली है, और शक्ति चालनी मुद्रा है, और खेचरी जो दसवीं मुद्रा है, मुद्रा संप्रदाय अर्थात संप्रदाय यानी कि परंपरा से जो चली आ रही है, दशा मुद्रा, ये दस मुद्राएं चली आ रही है, और आदिनाथ उदिता, आदिनाथ शिव ने उदिता कहा है इन मुद्राओं को, अष्ट ऐश्वर्य प्रदाय का, अष्ट ऐश्वर्य अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम, इसी तो वसित जो अष्ट ऐश्वर्य है जो योग दर्शन में भी मिलते हैं, सांख्य दर्शन में इनका विस्तार से वर्णन मिलेगा, इन अष्ट ऐश्वर्यों को प्राप्त होता है, मिल जाते हैं हमें, वल्लभा सर्व सिद्धानाम दुर्लभा महा महतामपी, कि ये जो है यानी कि बहुत ही वल्लभा अर्थात मन को भाने वाली है, यानी कि श्रेष्ठ मुद्रा है, सर्व सिद्धा नाम, ऐसे सभी सिद्धों ने कहा है, दुर्लभा महतामपी, की देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है, कौन सी मुद्रा, ये सारी की सारी दसों मुद्राएं, कि दसों मुद्राएं अष्ट ऐश्वर्य को देती हैं, अष्ट ऐश्वर्य, और किसने कही ये बात, आदिनाथ शिव ने कही है ये बात। अब आगे क्या बताया है मुद्राओं के बारे में, इति मुद्रा दस प्रोक्ता, ये जो दस मुद्राएं हैं प्रोक्ता, ऐसा कहा गया है किसने, आदिनाथ शंभुना, जो आदिनाथ शंभु है उन्होंने कहा है, एक ही का यानी कि हर एक तासु मुखया श्यानम महासिद्धि प्रदाय, यानी कि हर एक मुद्रा महान महान सिद्धियों को देने वाली है, अर्थात सभी मुद्राएं हैं, एक किसी को भी कर लो सभी से सिद्धि मिलेंगे, और महान सिद्धि महामुद्रा को हम डिटेल में पढ़ते हैं, 8 बजे भी तो हुआ, महामुद्रा प्रोक्ष्यामि वशिष्ठेन, तुम हिंदी और पढ़ ले और तेज चल पढ़ेंगे, पादमूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिण, चलो संस्कृत से कराता हूँ, महामुद्रा प्रोक्ष्यामि वशिष्ठोनो मादरात, यहाँ पे बताया गया है कि जो वशिष्ठ ने बताया है, यानी कि अब यहाँ पे एक चेंज आ गया, वशिष्ठ का नाम आ गया, जबकि हठ योग प्रदीपिका में वशिष्ठ जी का नाम नहीं आया था, योनि के बाएं भाग में लगा देना, जो जानु शीर्षासन आते पता है ना आपको, जानु शीर्षासन कैसे करते हैं, ये बैठ गया नीचे बैठा हुआ है और पैर सामने है, और ये पैर को यहाँ पे इसने लगा लिया अपने उसमें, और ये दो इसका पंजा ऊपर उठा हुआ है, राइट, ये राइट लेग है, ये लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को जानु शीर्षासन की स्थिति में लगा लिया, अब ये आगे झुकेगा और आगे झुक के पंजे को पकड़ लेगा, और पंजे को यहाँ पे जालंधर बंध लगाया जाएगा आगे झुक के, ठीक है, ये आगे झुक गया और दोनों हाथ इसके पंजे पर है, ये वाली स्थिति है,
और कोई जरूरी देखो इसमें कहीं नहीं बताया कि पाद प्रसारितम कृत्वा पैर को सामने की तरफ फैला दिया, पैर सामने फैला दिया। कराभ्याम हाथों से पकड़ लेना, भ्याम यथार्थ तो दोनों हाथों से पकड़ना है, पूरी है तो उसके बाद क्या करना है, पूरक करना है मुख से, पूरेन मुखम कंठे बंद, यानी कि मुख को कंठ से बंधन कर लेना था, जालंधर बंद लगा लेना है। समारोह पे पूरेत वायु ऊर्ध्वतः, वायु को ऊपर की तरफ उठाना है, अंदर से ऊपर की तरफ उठाना है, अर्थात मूलबंध लगाना है। कल मैंने पिक्चर में ही बताया था मूलबंध को अपान वायु नीचे की तरफ बहती है, उसको ऊपर उठाना है, अर्थात मूलबंध लगाना है और जालंधर बंद लगाना है, दो बंधों को यहाँ पे लगाने के लिए बोला गया है। और इसका लाभ क्या है, और देखिए नीचे घुटने पे टच करना कहीं नहीं बताया गया, तो अर्थात जितना आपका जाए ये जालंधर बंद अच्छे से यहाँ पे लगा लेना है, पंजे को पकड़ लेना है, बस जितना आप पंजे को पकड़ के जालंधर बंद लगाए बस यहीं पे रोकना है, नीचे जाने की कहीं कुछ नहीं बताया गया। अब यथा जैसे दंडा हत है, दंडे के प्रहार से सर्पो दंडकार है पर जायते, जो सर्प है, सर्प का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सांप है, ठीक है, टेढ़ा रहता है हमेशा सांप। अब जब इसकी पिटाई होती है, जब इसको मारते हैं तो क्या होगा, पूरा सांप सीधा हो जाएगा। इसी प्रकार पेटे बताया गया है, कुछ ग्रंथों में आठ लपेटे बताया गया, लेकिन ये स्पष्ट है कि सारी वो कुंडली आकार में है, सर्पाकार में वो बैठी हुई है कुंडली। अब जैसे सांप ये सीधा हो जाता है डंडे के प्रहार से, ऐसी जो कुंडली है, जो टेढ़ी मेढ़ी है, जो मेढ़े बाग में घूमी हुई है, वो भी सीधी हो जाएगी। जब ये कुंडली सीधी हो जाएगी तो अपने आप ही सुषुम्ना में चली जाएगी, क्योंकि इसका मुख ही सुषुम्ना के नीचे है। यथा दंडा हता सर्पो दंडाकार है पर जायते, रिज्वी भूतवा था तो सीधी हो जाएगी। यथा शक्ति, शक्ति का अर्थ कुंडली, कुंडली शक्ति सहजा भवेत, आसानी से हो जाएगी सीधी वो, अर्थार्थ महामुद्रा का अभ्यास करने से कुंडली सीधी हो जाएगी। तथा सा मरणावस्था जायते दुपटिस्त, तथा मरणावस्था आने पर ये चेंज मिल है यहाँ पे थोड़ा सा, कि मरणावस्था के बाद में उसको छोड़ना है, ठीक है जी। आपको हड्डियों की याद हो गया ना, ये तो फिर बच्चे को खेल लगेगा आपको, इतना आसान ग्रंथ है, क्योंकि सारी वही बातें हैं, सारी वही देखो लाभ भी बिल्कुल सेम है। नहीं पथ्यम पथ्यम व रसा सर्वे अपि नीरसा, कि उस योगी के लिए पथ्य पथ्य, यानी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो उसके लिए भेद नहीं रखता, कुछ भी खाएगा वो सब हजम हो जाएगा उसको। रसा सर्वे अपि नीरस, अर्थात नीरस में भी रस उसको आ जाएगा, नीरस क्या पत्थर है, ठीक है, पत्थर में रस नहीं होता, लेकिन वो पत्थर को भी खा लेगा, अर्थात उसमें भी उसको रस आएगा, मिट्टी में भी रस आएगा, हर चीज में जो नीरस है उसमें भी रस उसको आएगा। किसको, जो अभ्यास करेगा महामुद्रा का। अपी भुक्तम विषम घोरम, जो विष, जो घोर यानी कि घोरम भयानक जो विष है उसको भी भुक्तम, अगर वो ले लेगा तो क्या होगा, पीयूषम जीर्यते, कि वो अमृत की तरह उसको पच जाएगा, जीर्ण हो जाएगा, पच जाएगा उसको, यानी कि जहर भी उसको अमृत की तरह लगेगा। किसको, जो महामुद्रा करेगा उसको। आगे बताया कि अब इसके लाभ, अब यहाँ पे मैं थोड़ा राइटर की गलती बताना चाहूंगा, मैं भी गलत हो सकता हूँ लेकिन मुझे राइटर गलत लगता है। कोष्ठबद्धता और गुदावर्त, इन्होंने अलग अलग शब्द यूज किया है और मुझे लगता है दोनों एक ही शब्द है, क्योंकि कोष्ठबद्धता कहीं नहीं है श्लोक में, और गुदावर्त को ही कोष्ठबद्धता कहते हैं, तो इसने लेकिन अलग अलग शब्द यूज किया है यहाँ पे। और कैवल्य धाम की पुस्तक में भी गुदावर्त को ही कोष्ठबद्धता कहा गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। अब इसका लाभ क्या है, छह कुष्ठ गुदावर्त गुलमा जीर्ण पुरोगमहा, अर्थार्थ छह रोग, अर्थार्थ टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो रोग है वो ठीक हो जाता है, कुष्ठम अर्थार्थ स्किन डिजीज चर्म रोग दूर हो जाते हैं, गुदावर्तम अर्थार्थ जो गुदा का जो वर्त है, यानी वहां पे कोष्ठ, जो कोष्ठ बद्धता है
जो कब्ज है वो दूर हो जाती है, गुल्म रोग अर्थात वायु गोला दूर हो जाता है, अजीर्ण अपच की जो समस्या है अजीर्ण की वो दूर हो जाती है, पूर्वोगमा दोष। हाँ ये जो दोष पहले बताए हैं अभी ऊपर, सर्वे क्षयम यान्ति, क्षय हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, किसके, जो महामुद्रा तू योग्य से, जो महामुद्रा का अभ्यास करता है उसके ऊपर जो बताए गए हैं दोष दूर हो जाते हैं। कथित है महामुद्रा अजरा मृत्यु विनाशने, ये जो महामुद्रा कही गई है ये जरा अर्थात बुढ़ापा, मृत्यु और मृत्यु को विनाशने, उसका विनाश कर देने वाली है अर्थात उसका भय को दूर कर देने वाली है। गोपनीय प्रयत्न अत्यंत गोपनीय है, न देया यस्य कस्यचित, जिस किसी को भी नहीं देने चाहिए। सारा कॉपी किया हुआ है, हठ योग में भी सारी यही बातें, यहाँ पर भी यही बातें कही गई है, मुझे तो कुछ भी चेंज नहीं लगा खास कोई। सर एक डिफरेंस है, महाक्लेश दिए गए थे ना, महाक्लेश दूर करता है, इसमें नहीं है। अरे वाह बहुत बढ़िया जी, आपने एक बात को पकड़ लिया, वेरी गुड, थैंक यू। महाक्लेश बहुत बढ़िया, हठ योग प्रदीपिका में महाक्लेश बताया और यहाँ पे महाक्लेश नहीं बताया गया, बिल्कुल ठीक है। महाक्लेश कौन सा है? अविद्या, थैंक यू। अब महाबंध को हम पढ़ते हैं, महाबंध जो मुद्रा है उसको पढ़ते हैं। पार्श्णी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत, अर्थात जो पार्श्णी वामस्य जो एड़ी को बाई को पादस्य योनि स्थाने, योनि स्थान पे लगा लेना है, यानी कि बाई जो एड़ी है उसको बाई योनि स्थान पे लगा लेना है, नियोजयेत रख लेना है उसको, वामो रूपरी अर्थात बाई रूपरी, उरु अर्थात बाई जंगा के परी ऊपर क्या रखना है, संस्था पर रख देना, क्या दक्षिणम चरणम दाएं पैर को रख देना है। पूर्येन मुखतो वायु हृदय चिबुकम दृढ़म, की पूर्येन मुखतो वायु की पूरक कर लेना है वायु का, और हृदय चिबुकम दृढ़म हृदय को चिबुक को हृदय पे लगा देना, अर्थात जालंधर बंद लगा देना है। निवृत्त योनिमा कुंचय अर्थात मूल बंद कोल कर लेना है। मनो मध्य नियोजित, मन को मध्य में लगा देना, मध्य में क्या है सुषुमना, अर्थात मन को चित्त को सुषुमना में नियोजित कर देना है, लगा देना है। रेचयेत शनैरेवम, रेचक कर देना था, एक्जेल कर देना, शनैरेवम धीरे धीरे कर देना है। महाबंधो अयम उच्चत, इसको महाबंध कहते हैं, ठीक वही अर्ध पद्मासन वाली स्थिति है, ध्यान रखो कि अर्ध पद्मासन ही है, बस याद रखना कि एड़ी जो है वो योनि स्थान पे लगेगी, बाकी अर्ध पद्मासन वाली स्थिति है सारे की सारे। और मूलबंध लगाना है और जालंधर बंध लगाना है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे महाबंध में उड्यान बंध नहीं बताया गया, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अयम योगो महाबंधस सर्वरोग सर्व सिद्धि प्रदायक है, अर्थात अयम योगो, यह जो अयम अर्थात यह कौन सा, यह महाबंध योगो महाबंध, यह जो महाबंध जो करेंगे सर्व सिद्धि प्रदायक, यह जो महाबंध है वो समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। सव्यांगे च संभ्यस्य दक्षिणांगे संभ्य, अर्थात लेफ्ट साइड से किया अब राइट साइड से करो, लेफ्ट का मतलब अभी पहले हमने बाएं पैर को बाई योनि पे लगाया था, अब इसका उल्टा करेंगे, अर्थात लेफ्ट साइड से हमने अर्ध पद्मासन क्या पैर को बदल के करेंगे। आगे बताया कि अयम च सर्व नाड़ी नाम ऊर्ध्वम गति बोधक त्रिवेणी संगम धत्ते केदारम प्राप येन मन है, अर्थात अयम च सर्व नाड़ी नाम ऊर्ध्व, यानी कि जो ऊपर की तरफ जो नाड़ियां बह रही है उनको रोक देगा, कि प्राण की ऊर्ध्व गति, यहाँ पे प्राण दे दिया गया, ठीक है प्राण भी बिल्कुल ठीक जाता है, प्राण ही ऊपर की तरह वहन करता है ऑलमोस्ट, उदान तो करता है, उदान पे इतना कंट्रोल नहीं किया जाता, लेकिन मुख्य प्राण पे ऊपर कंट्रोल फोकस करते हैं अभ्यासों में। और चित्र मैंने दिखाया था ना आपको, एक बार वो दिखा देता हूं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अरे कहां गया, चलो मुझे नहीं पता कहाँ गया वो, हाँ यहाँ पे है, ठीक है ये रहा,
मिल गया। दिख रहा आपको कि प्राण है ऊपर की तरफ जा रहा है, उदान तो है ऊपर की तरफ, समान ऊपर और नीचे दोनों हैं, और जो अपान वायु है वो नीचे की तरफ बहती है। इनको ही उठाया जाता है कि अपान को ऊपर उठाते हैं, प्राण जो ऊपर जा रही है वो नीचे आएगा, अपान प्राण नीचे आएगा और नीचे से अपान को ऊपर उठाएंगे। ये बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। कहाँ गए? हाँ ये ठीक है। त्रिवेणी संगम धत्ते, त्रिवेणियों का संगम हो जाता है। इड़ा पिंगला सुषमना धत्ते केदारम प्राप ये न मनहा, कि तीन नाड़ियों का जो संगम स्थान है केदार जो स्थान है, केदार स्थान पूरा श्योर तो नहीं है केदार स्थान कहाँ बताया गया, लेकिन जो ज्यादातर विद्वानों का मानना है आज्ञा चक्र को बोला जाता है। प्राप ये न मन है, वहां पे मन को केंद्रित कर देना है बोहो के मध्य। देखो इस राइटर ने भी बोहो के मध्य ही कहा था, अर्थ आज्ञा चक्र ही माना इन्होंने भी केदार स्थान। कुछ लोग केदार स्थान चोटी वाले भाग को भी बोलते हैं, थोड़ा मतभेद है, लेकिन केदार तो श्योर है, केदार ही आएगा पेपर में। सरहद पर दीपिका में भी केदार का चर्चा है। हाँ हाँ सेम वही है सर, अरे सारे से लोग लगभग लगभग सेम है। इस बुक से एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा मुश्किल से पूरी किताब से, आठ रत्नावली में से। रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम बिना, अब देख लो एक क्वेश्चन के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। अब महावेद मुद्रा की बात की जा रही है, महावेद मुद्रा की। रूप लावण्य संपन्ना, जैसे जो रूप लावण्य यानी कि जो बहुत सुंदर है, लावण्य अर्थात हर तरीके से स्त्री, जो अगर बोलते ना कि जो ब्यूटीफुल जो गर्ल है या कोई लेडी है, अगर वो उसकी शादी नहीं होती है तो उसको समाज एक अलग ही दृष्टि से देखता है। यहाँ पर वही बातें की जा रही है कि अति सुंदर जो स्त्री है अगर उसकी पुरुष में ना उसकी शादी नहीं हुई, एक तरीके से उसके साथ पुरुष नहीं है या उसके पुरुष की डेथ हो चुकी है, तो जैसे वो फलहीन होती है, उसका कोई इतना, उसका सम्मान काफी कम हो जाता है, होता तो है लेकिन अब कम हो जाता है। एक्चुअलिटी है ये समाज में, आपको पता ही है इस चीज का। महामुद्रा महाबंधो, इसी प्रकार जो महामुद्रा और जो महाबंध है निष्फल यानी कि फलहीन है, किस क्यों यहाँ पे खाली वेद वर्जित हो, महावेद आएगा, महावेद वर्जित हो यानी कि जो महावेद मुद्रा के बिना महामुद्रा और महाबंध निष्फल है, ठीक है। आगे पढ़ाऊं, टाइम है 5 मिनट है, करा देता हूँ, है ना, ओके, जितना जल्दी हो उतना अच्छा हमारे लिए। तो महावेद मुद्रा, अब महावेद को और कवर कर लेते हैं हम, इसके बाद में मैं आपको स्टॉप कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब महावेद मुद्रा, महाबंध स्थितो योगी, महाबंध की स्थिति क्या थी बताओ जल्दी से, क्या थी महाबंध की स्थिति? नो उडियान, ओनली जालंधर एंड मूलबंध। शारीरिक स्थिति क्या थी? अर्ध पद्मासन। वेरी गुड। और अर्ध पद्मासन में विशेषता क्या थी, पैर कहाँ होना चाहिए नीचे वाला? योनि भाग पर। पहले सिवनी पर, शिव योनि स्थान पे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि महाबंध, यानी कि जो महाबंध की स्थिति, जो अर्ध पद्मासन में जो योनि वाले योनि के भाग पे एड़ी लगाई थी, उस स्थिति में रुकृत्वा आ करके पूरक पूरकम एक धी वायु नाम गतिमाकृष्य, अर्थात पूरक करना है, पूरक करके आकृष्य उसको खींचना है वायु को। निवृतम कंठ मुद्रया, कंठ मुद्रा कौन सी होती है? जालंधर बंद को ही कंठ मुद्रा कहते हैं, अर्थात एक पर्यायवाची शब्द आ गया कि कंठ मुद्रा को ही जालंधर बंद कहते हैं, ठीक है। आगे बताया गया अष्टधा क्रियते चैतत यामे यामे दिने दिने, अर्थात याम याम, और एक याम की यूनिट होती है 3 घंटे, एक दिन में 3 घंटे के अंतराल पर करना है, अष्टधा 8 बार करना है, 24 घंटे एक दिन में, ठीक है,
और 24 को एक याम में 3 घंटे होता है अर्थात अष्टदा आठ, आठ हो गया और आठ को आठ करना हर 3 घंटे में करना है तो हो गया ना पूरा दिन अर्थात 8 24 8 बार करना है यामे यामे 3 3 घंटे बाद करना है। पुण्य संघात संधाई पापोघ विदुरे सदा अर्थार्थ जो होता है कि इसका अभ्यास करने से जो पुण्य जो संचय करती है और पापों का नष्ट हो जाता है कि पुण्य संघात अर्थार्थ पुण्यों का जो बोलते हैं ना संचित कर्म कि इकट्ठे कर लेना पुण्य इकट्ठे हो गए हमारे और पापों का नाश हो गया यानी कि पापों का नाश हो जाता है यहाँ पे ये बातें बताई गई है। सम्यग् श्रद्धा वतामेव सुखम प्रथम साधने वहने स्त्री पथ सेवाम च प्रथमं परिवर्जितम्। अब ये बात यहाँ कहाँ कर रही बताओ कल हमने पढ़ा था गोरक्षनाथ की क्या कितना अलग तरीके से वहां पर भी पढ़ा था हमने भी इतनी दूर दोबारा से दे दिया इन्होंने वही बात कि श्रद्धा वतामेव सुखम प्रथम साधने की जो परम श्रद्धा है इसको सुख का प्रथम साधन मानते हैं किसको किसकी बात चल रही है महावेद मुद्रा की बात चल रही है। अब ये वाली लाइन देखो कहां से कहां घुसा दी वहने स्त्री आग औरत और यात्रा च प्रथमम प्रिवर्जयेत कि प्रारंभ में उसको विसर्जयेत छोड़ देना चाहिए नहीं करना चाहिए अर्थात जो योगी के लिए क्या चीजें बताई गई हैं कि उसको अग्नि स्त्री और पथ से दूर कर देना चाहिए। हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ गोरक्ष मत के अनुसार 2 3 चीजें और ऐड की गई है कौन बताएगा क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए बताइए। सर एक तो सुबह का स्नान नहीं करना चाहिए उपवास नहीं करना चाहिए वेरी गुड एक और चीज है श्रम का त्याग शारीरिक श्रम नहीं नहीं श्रम नहीं आएगा वहां पे ऐसे श्लोक आप श्लोक को याद होगा ना आपको प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विसर्जयेत कि प्रातः स्नान आदि जो काया को क्लेश देने वाले कष्ट देने वाले हैं वो चीजें नहीं करनी ठीक है। किसका मत है ये गोरक्षनाथ का मत है। हुआ नहीं पता कितने रह गए दो और कर लेते हैं श्लोक फिर आज की क्लास संपन्न करते हैं। समस्त युगो भूमि शिपचौ संताड ये स्नेही अयमे महावेद सिद्धो अभ्यासात भवेत अर्थार्थ यहाँ पे अरे देखो अभी विधि बता रहे हैं अभी तक विधि नहीं खत्म हुई वो श्लोक बीच में धक्का ही घुसा दिया बीच में वो वाला श्लोक अब ये महावेद ही चल रहा है ये और इससे पहले क्या स्थिति थी वो अर्ध पद्मासन वाली स्थिति की अर्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं महाबंध वाली स्थिति में समहस्तौ युगो यानी कि दोनों हाथों को जैसे मैं भी बैठा हूँ और दोनों हाथों को थाई के साइड में लगा लिया घूमो उस पिचो संताड़ नहीं उसको ऊपर नीचे होना है अर्थात आप हिंदी पढ़ेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा भूमि से नितंबो को ऊपर उठाकर धीरे धीरे भूमि पर ताड़न करना है अर्थात अप डाउन करना है हाथ तो भूमि पे आएंगे और अर्ध पद्मासन की स्थिति है ही हमारी बस प्रिजन उठाना है और नीचे करना है उठाना है और नीचे करना है इसको रिपीट करना है। अयमेव महावेद है सिद्धो सिद्धि सिद्धि दो भ्यास तो भवेत ये जो महावेद है अभ्यास से सिद्धियां प्रदान करने वाला सिंपल है तो कोई विधि तो स्पष्ट है ना सारी वही विधि है जो हठयोग प्रदीपिका में बताई गई है। आज का अंतिम स्रोत एतत् त्रयम् महागुह्यम् एतत् त्रयम् अर्थात ये तीनों तीनों कौन से हो गए महामुद्रा महाबंध और महावेद ये जो तीन हैं तीन मुद्राएं हैं महागुह्यम् अत्यंत गुह्यम् गोपनीय हैं और जरा मृत्यु विनाशनम् जरा अर्थात बुढ़ापे को और मृत्यु का नाश कर देने वाली है। वहने वृद्धि करम अग्नि को बढ़ाने वाली है ये अर्थात जठराग्नि को बढ़ाने वाली
वहनी खाली हम जठराग्नि नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। जब आप आयुर्वेद पढ़ेंगे ना, वहां पे आप देखेंगे कि शरीर में अग्नि 13 प्रकार की होती है। 5 होती है भूत अग्नि, 7 होती है धातु अग्नि, 5 और 7 12, और 1 होती है जठराग्नि। टोटल होगी 13। जठराग्नि प्रधान होती है, इसीलिए ज्यादातर लोग अग्नि का नाम सुनते ही जठराग्नि लिख देते हैं। लेकिन फैक्ट है कि अग्नि 13 होती है शरीर में। वहने वृद्धि कर्म, वो अग्नि बढ़ जाती है, 13 प्रकार की अग्नियों में वृद्धि हो जाती है। अणिमा आदि गुण प्रदान, अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं वो भी हमें मिल जाती हैं। किन से? इन तीनों मुद्राओं को करने से। तो आज की कक्षा इतनी ही, और मेरे ख्याल से डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सारी कॉपी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे भी बता दीजिए। आचार्य जी, अगर 48 नंबर श्लोक पे आना। चलो मैं इसी में दिखा देता हूं। हाँ जी, ये राम क्या पूछना है? इसके अंदर ये समझ नहीं आ रहा, ये बोल रहे हैं श्वास प्रक्रिया को विपरीत करें। महाबंध लगाकर एकाग्र मन से वायु का पूरक करे, श्वास प्रक्रिया को विपरीत करे एवं रोके। महाबंध स्थित योगी कृत्वा पूरक में कधि, वायु नाम गतिमाकृषण निभृतम कंठ मुद्रया। विपरीत का अर्थ होता है कि देखो साधारण क्या है, श्वास जा रही है इनहेल और एक्सहेल। अब इनहेल कर लिया तो साधारण एक्सहेल होना चाहिए, हमने उसी को रोका है, यही है विपरीत। यहाँ पे होल्ड करना। ओके आचार्य जी, थैंक यू, वेलकम सर। ठीक है जी, अब मैं क्वेश्चन पूछूं, तैयार हो? राहुल जी। हाँ जी। अच्छा, कुछ लोगों का ये था जो आज जुड़ नहीं पाए थे, एक्चुअली ऐसा था जो हमारा पुराना वाला लिंक चल रहा था, आप स्टॉप कीजिए स्क्रीन, तो उस वजह से ना जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी किया था दूसरे रोज वो लोग भी आ रहे थे, और आज हमने लिंक चेंज कर दिया, इसके वजह से बाकी लोग नहीं जुड़ पाए, और उनका मैसेज मेरे पास काफी लोगों का आया हुआ है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनके पास लिंक नहीं है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैंने लिंक चेंज किया। ठीक है, और बिना फाइन के। जी बोलिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए कन्हैया जी। मेरे पास भी टेलीग्राम, मेरे काफी पर्सनल मैसेजेस।